नमस्कार, ENN भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। देश को कांग्रेस मुक्त करने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब खुद ही कांग्रेस युक्त होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर नेता बीजेपी में देखे जा रहे हैं। अब चाहे वो विजेंद्र सिंह हो, गौरव बल्लभ हो, महेंद्र जी सिंह मालवीय हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर हेमंत बिश्वा शर्मा ही क्यों ना हो, ये सभी कांग्रेस के वो पुराने नेता हैं जो कभी बीजेपी को गालियां दिया करते थे। लेकिन अब देखो, वो सभी बीजेपी में हैं, जिन्हें बीजेपी ने बड़े बड़े पद भी दिए हैं। सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी नहीं है जिसके नेता बीजेपी में जा रहे हैं। देश के लगभग हर दूसरी पार्टी के नेता लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन करते दिख रहे हैं। तो एक तरीके से बीजेपी अब खुद ही विपक्ष युक्त होती जा रही है। ये वो विपक्ष नहीं है जो मोदी के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि वो विपक्ष तो बेचारा अकाउंट फ्रीजिंग, ईडी CBI की कार्यवाही झेल रहा है। ये एक नया विपक्ष है जो बीजेपी के अंदर खानों में तैयार हो रहा है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी उन लोगों को ज्यादा तवज्जो दे रही है जो अपनी पार्टी को छोड़कर हाल फिलहाल में ही बीजेपी में आए हैं। हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि बीजेपी ने अभी तक जितने भी कैंडिडेट की लिस्ट निकाली है उनमें से लगभग 116 ऐसे प्रत्याशी हैं जो बीजेपी की मूल विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हैं। वो सभी किसी और पार्टी के नेता हैं जिन्होंने कुछ समय पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है। कुल मिलाकर देखें तो 400 पार का वादा करने वाली बीजेपी हर तीसरे दिन विपक्ष के किसी न किसी नेता को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। विजेंद्र सिंह, गौरव वल्लभ जैसे नेता जो कल तक मोदी जी को गाली दे रहे थे, वो अचानक से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और बीजेपी के मेहनती कार्यकर्ता जो सालों से संघ और बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हैं, उनको मन महसूस कर विपक्ष के नेताओं को स्वीकार करना पड़ रहा है। उन्हें दी जा रही तवज्जो को भी स्वीकारना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की थी तब नरोत्तम मिश्रा को उन्हें सपोर्ट करना ही पड़ा था। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट पर ही देख लो, वहां पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट के तौर पर कंगना रनौत को खड़ा कर दिया है, जिन्हें अपने जिला अध्यक्ष का नाम भी नहीं पता होगा। बीजेपी के स्थानीय नेताओं के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन बीजेपी के लोकल कार्यकर्ताओं को उन्हें सपोर्ट करना ही पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये चुनाव बस मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है। कंगना को तो बस स्टार कैंडिडेट के तौर पर खड़ा कर दिया गया है। कंगना खुद भी मोदी के नाम पर ही वोट मांग रही हैं। मथुरा में भी हेमा मालिनी चुनाव लड़ेंगी, वो भी मोदी के नाम पर ही वोट मांग रही हैं। स्टार कैंडिडेट ही नहीं, बीजेपी के लगभग हर कैंडिडेट की यही स्थिति है, वो मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। बीजेपी की राजनीति अब बदल चुकी है, यहाँ मोदी की गारंटियों पर कोई सवाल नहीं उठाता है। जिनको टिकट दिया जाता है उन सभी को लगता है कि मोदी के चेहरे पर वो चुनाव जीत ही जाएंगे। बीजेपी में अभी सब मोदी जी से ही मंत्रमुग्ध है। देश में अब लोकल नेताओं का महत्व खत्म हो गया है, क्योंकि वर्तमान समय में लोग ना पार्टी देखकर वोट दे रहे हैं और ना ही कैंडिडेट को देखकर वोट दे रहे हैं, वो बस मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनावों में मीनाक्षी लेखी का टिकट काटा गया, वरुण गांधी का टिकट काटा गया। ऐसा नहीं है कि इनका अपने अपने क्षेत्र में जनाधार कमजोर हो, लेकिन फिर भी बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। बीजेपी में बाहर से आने वाले लोगों को टिकट दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस बात से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी नहीं है, नाराजगी है, लोग नाराज है। अपना टिकट कटने से बीजेपी के नेता नाराज है और समय समय पर ये नाराजगी देखने को भी मिल रही है, लेकिन बड़े स्तर पर ये नाराजगी सामने नहीं आ पा रही है। शायद बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर है। तभी तो वसुंधरा राजे को छोड़कर जब भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो वसुंधरा चाहकर भी विरोध नहीं कर पाई थी। शिवराज के साथ भी ऐसा ही हुआ। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन बगावत की हिम्मत उनमें भी नहीं हो पाई। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी में हर नेता मोदी के साथ खड़ा है। बहुत से वरिष्ठ नेता बीजेपी में हैं जो PM मोदी का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि मोदी जी बीजेपी के लिए सही नहीं है। वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी तो खुद कई बार मीडिया के सामने इस बात को कह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भी मोदी से ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन अब बीजेपी में आडवाणी जी को साइडलाइन कर दिया गया है। वरुण गांधी खुद कई बार मोदी जी की नीतियों का विरोध कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी में मोदी का वर्चस्व कायम है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि जब बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस है कि इस बार 400 पार होगा, तो NDA में 40 से ज्यादा दल होने के बावजूद बीजेपी क्यों हर छोटे बड़े उस नेता को बीजेपी ज्वाइन करवा रही है जो अपने अपने क्षेत्र में किसी भी रूप में जनता के वोटों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है? क्या ये बीजेपी की बौखलाहट तो नहीं है?
ये तो साफ है कि बीजेपी की ये रणनीति विपक्ष को कमजोर करने की है, लेकिन इस रणनीति से बीजेपी में जो विपक्ष तैयार हो रहा है वो आने वाले दिनों में बीजेपी और मोदी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी के जितने भी छत्रप हैं, चाहे वो कर्नाटक के बी एस येदियुरप्पा हों, के एस ईश्वरप्पा हों, महाराष्ट्र में नितिन गडकरी हों, गुजरात में नितिन पटेल हों, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया हों, हरियाणा में अनिल विज हों, कैप्टन अभिमन्यु हों या फिर यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, सब मोदी से नाराज हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की हालत सबको पता है, बिहार में सुशील मोदी ले लीजिए, बंगाल में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष उनको ले लीजिए, असम में सर्बानंद सोनोवाल ले लीजिए, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी में जितने भी छत्रप हैं वो सभी बगावत के मूड में हैं। इससे तो लग रहा है कि भाजपा में बगावत तय है। वीडियो पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।